अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप अभी पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत नेचर देख रहे हैं। पाकिस्तान की खूबसूरती का कुल इसासा यहाँ से शुरू होता है। आप भी इस वादी को, इस सीनिक पॉइंट को जॉइन कर सकते हैं। कहाँ से जॉइन कर सकते हैं, कैसे जॉइन कर सकते हैं और कब जॉइन कर सकते हैं, पूरा तफसील इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। इन केस अगर आप इस जगह के अलावा किसी और पॉइंट को चूज़ करोगे अपने विज़िट के लिए, तो काफ़ी मुश्किल के बाद, काफ़ी थकावट और काफ़ी सफ़र के बाद आपको कहीं ना कहीं इस तरह की सीन देखने को मिलेगी। और वो सीन लिमिटेड होगी, उसको देखने के बाद कोई और विज़िट के लिए और पॉइंट देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए मैं यहाँ की इस वादी को नंबर वन करार देता हूँ, इसलिए कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हज़ारों पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ जो कुछ भी है नेचुरली है, यहाँ का राइवर का बहना, उनका जिगजिग मूवमेंट, फॉरेस्ट, यहाँ की अबशारें और यहाँ की चश्मे, यहाँ का मौसम आपको मुतासिर करेगी। इस वादी की विज़िट करने के लिए लोगों के दिलों में हज़ारों क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बहुत सर्च किया यूट्यूब में, इस क्वेश्चन का जवाब कोई नहीं दे पाया। एज ए लोकल मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं यहाँ की फुल गाइडेंस सब दोस्तों के साथ शेयर करूँ। ये सीनिक पॉइंट कुमराट वैली है, सतही समंदर से 8200 फीट एबव, इस्लामाबाद से नॉर्थ की तरफ चतराल वैली और स्वात वैली के दरमियान ये एक खूबसूरत सत्ता 2018 में डिस्कवर हुआ इमरान खान साहब की बदौलत। यहाँ जिसने टूर लगाया है वो भी अभी तक टूर पे सही नहीं समझा है, और जिसने टूर नहीं लगाया है वो तो ऑलरेडी इससे नावाकिफ है। तो आज की इस वीडियो में मैं वो सब कुछ बताऊंगा जो आपको यहाँ पे करना चाहिए, और वो भी बताऊंगा जो आपको यहाँ पे नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आप यहाँ पे किस तरह पहुँच सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपनी कार के ज़रिए भी आ सकते हैं। कुछ किलोमीटर कच्चा सड़क है, इस पे आपको तकलीफ होगी, लेकिन जब आप अपनी गाड़ी को लेके यहाँ की इस वादी की सिटी यानी थल कुमराट वैली का जो गांव है थल, यहाँ तक आप पहुँच जाओगे तो यहाँ बहुत से पार्किंग बनी हुई है, आपने अपना जो कार है यहाँ पे पार्क करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे 4x4 टाइप की गाड़ी मिलती है, वो 4x4 गाड़ी आपको लेके टूर स्पॉट तक लेकर जाएगी। वहाँ फॉरेस्ट के अंदर राइवर साइड बहुत सारे होटल्स बन चुके हैं और बहुत चीप प्राइस पे आपको कमरे मिलेगी रहने के लिए। अगर आपके पास अपना कार नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आप इस वादी में तीन जगहों से आ सकते हो। कुमराट वैली की गाड़ी आपको रावलपिंडी, फिर बदायूं अड्डा से भी मिल सकती है, पिशावर से भी मिल सकती है, और मर्दान की सिटी से भी आपको कुमराट वैली की गाड़ी मिल सकती है। वहाँ से गाड़ी रवानगी करती है रात 8 बजे को, और यहाँ फजर के टाइम आप इस वादी में पहुँच जाओगे। जब आप यहाँ पे एंट्री लोगे फजर के टाइम, तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं थल विलेज में। आपने किसी होटल के मैनेजर से बात करनी है कि भाई मैंने यहाँ कुछ घंटों के लिए आराम करना है, इसके बाद मुझे फॉरेस्ट जाना है, कुमराट वैली के अंदर जाना है, तो वो आपको प्रोवाइड करेगा बेहतर रूम। यहाँ पे अच्छे कूल मौसम में बहुत अच्छी नींद आएगी। जब आप नींद से उठ जाओगे तो फिर अपने सिचुएशन को देखिए, अगर आप अकेले हो तो यहाँ बाइक वाले के साथ बात करो, वो आपको लेकर वादी के अंदर लेकर जाएगा। इनकेस अगर आपके साथ दोस्त हैं बहुत सारे हैं, तो आप 4x4
लेकर वहाँ पे जा सकते हो। तो जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तो ये जो सीनिक व्यू आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया ऑफ कुमराट है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप कुमराट वैली के नॉर्दर्न साइड पे शिफ्ट होना है किसी ब्रिज के ज़रिए से, और ये ब्रिज आपको कुमराट वाटरफॉल के सामने मिलेगी। और या जब कुमराट स्टार्ट होने से पहले पहले भी इसी तरह की ब्रिज बनी हुई है। यहाँ पे सड़क नहीं बना है, इसलिए नहीं बना है कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट क्राउड में आकर यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं, इसलिए लोकल लोग भी नहीं चाहते कि इस तरह इस साइड में भी गंदगी फैले और यहाँ की जो ट्रीज है उनको नुकसान पहुँचे, इसलिए ये अनएक्सप्लोर रखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ का विज़िट करें और सफाई का बिल्कुल ख्याल रखिए। यहाँ फर्स्ट डे आपको आबशार के पास कुमराट वैली का जो फेमस वाटरफॉल है वहाँ के इर्द गिर्द घूमना है। सेकंड डे आपने ब्लैक वाटर की तरफ जाना है, वहाँ के सीनिक व्यू आपने देखने के लिए इसी तरह लकड़ी के ब्रिज क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना है, वेस्टर्न साइड पे, वहाँ पे ये व्यू आपको मिलेगा। और इसके बाद तीसरे दिन को आपने दुजंगा साइड जाना है, वहाँ पे वादी जाके फिर तीन हिस्सों में तकसीम हुई है। अगर आप चाहते हो कि मैं पैदल और भी सफ़र करूँ तो आपने इस तीन वादी में जो दरमियान वाली वादी है इसको चूज करना है। फिर आपके सामने हज़ारों वाटरफॉल्स और इसी तरह हज़ारों ग्लेशियर, एट लास्ट आप शेजूर लेक तक पहुँच जाओगे। जब ये विज़िट आपका ख़त्म हो जाएगा तो कुमराट वैली का विज़िट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद भी सफ़र करूँ, विज़िट करूँ, पॉइंट देखूँ, तो आपने जाज बंडा जाना है जो कि थल विलेज यानी कुमराट वैली का जो सिटी है विलेज थल, इससे आपने साउथ साइड सदरन साइड जाना है। उस पे तकरीबन गाड़ी पे एक घंटा लगता है और इस एक घंटे के बाद फिर आपकी हाइकिंग शुरू हो जाएगी पैदल, जो कि आने जाने में 6 घंटे लगते हैं। और कटोरा लेक जो कि बहुत मशहूर है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपने जाज बंडे से फिर 3 घंटों का सफ़र करना पड़ता है। इनकेस अगर आप चाहते हो कि मैं पैदल सफ़र नहीं करूँगा तो आपके लिए एक और पॉइंट भी है जिसका नाम है बाड़गुई टाप दश्ती लैला। आप वहाँ पर जाके इंजॉय कर सकते हैं। यह आपका चौथा पांचवा दिन होगा। जब आप अगर आप चाहते हो कि मैंने सवात वैली जाना है, फिर बाड़गुई टाप से 1 घंटे की सफ़र करके आप सवात वैली में एंट्री ले सकते हो। वहाँ मशहूर शाही बाग, खड़खड़ी झील आपकी मुंतजर होगी। आपको जो काम यहाँ पे नहीं करना चाहिए वो ये कि आपने यहाँ पे जल्दी नहीं करनी, क्योंकि इतनी तकलीफ के बावजूद मैंने बहुत से टूरिस्ट देखे हैं जो कि ये बात मैंने नोट कर ली है, वो यहाँ पे बहुत जल्दी करते हैं कि हमने जल्दी जल्दी कुमराट वैली देखना है, जल्दी जल्दी जाज बंडा देखना है। और इसी तरह उसका सफ़र का अहतमाम 2 दिनों के अंदर हो जाता है, तो फिर वो वहाँ वापस जाके परेशान होते हैं कि यार हमने काफ़ी गलती की है, हमने बहुत सी पॉइंट खो दी है, इसकी वजह से वो सारा साल परेशान रहते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर को दोबारा आकर अपने विज़िट को कंप्लीट करते हैं। कुमराट वैली अभी भी 70% अनडिस्कवर्ड है। यहाँ कुमराट वैली से आप पैदल 4-5 दिनों के अंदर चतराल वैली भी जा सकते हैं पैदल, जो कि इतनी बड़ी बड़ी ग्लेशियर है वो आपने कभी भी नहीं देखी होगी। और रास्ते में आपको फ्रोजन लेक्स मिल जाएगी, 5-6 लेक्स ऐसी है जो कि पूरा साल फ्रोजन, इसके अंदर आपको बर्फ़ देखने को मिले। और इसी तरह फ्यूचर में प्लान बनाया जा रहा है कि कुमराट वैली से चतराल वैली केबल कार का सिस्टम बनाया जाएगा और कुमराट से कालाम वैली के विज़िट करने के लिए टनल बनाया जाएगा, तो फिर ये तीनों स्पॉट एक हो जाएगा और ये जनूबी एशिया का सबसे क्यूटेस्ट, सबसे ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट बन जाएगा।
डियर फ्रेंड्स, मैंने ये चैनल बनाया है ताकि मैं अपना इलाका को प्रमोट कर सकूं, मैं अपने इलाके की जो खूबसूरती है इसको इंटरनेशनल सतह पर पहुंचाऊं। इसलिए आप दोस्तों की सपोर्ट के बिना पर मैं कुछ भी नहीं हूं और नहीं मैं कुछ कर सकूंगा। डियर फ्रेंड्स, स्पेशल रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें, अच्छी अच्छे कमेंट करें ताकि अपने काम से मोहब्बत हो मुझे और इसी तरह के जो हिडन ब्यूटी है वो आप लोगों के सामने ला कर रख। डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इंशाल्लाह मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।